किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं लगभग एक माह बाद अपने फार्म पर आया हूं और मैंने देखा कि ब्रोकली काफ़ी बड़ी हो गई और आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मैंने ब्रोकली निकलवाई है, ये देखिए ये पत्ता गोभी है और ये शुद्ध ऑर्गेनिक है। देखिए कितनी अच्छी पत्ता गोभी है और ये ब्रोकली है। ब्रोकली थोड़ी बड़ी हो गई, अब इसका उतना भाव नहीं मिलेगा। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रोकली है बरीक में, ये इसका अच्छी असली साइज ये है इसका ब्रोकली। तो ये कुछ पेड़ मैंने ब्रोकली के निकलवाए हैं जिन्हें मैं आज मंडी में ले जाऊँगा। कल मेरे पास सबसे अधिक फ़ोन नींबू के बागवानी पर आते हैं। नींबू की बागवानी हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत की जाती है और जितने भी सवाल आते हैं उनमें से अधिकतर ये होते हैं कि हमने पौधे लगाए थे, पौधे ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं और पौधे जो है ना मेरे पीले पड़ गए हैं या कुछ सूख गए हैं। जब मैंने बहुत से किसानों से उनके फ़ोटो मंगवाए और उनसे विस्तार से बात की तो मुझे उनमें कुछ सुझाव देने का मन हुआ और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं या बहुत अनुभवी किसान हैं इसमें, एक नावेद शेख जी, मैंने उनसे बात की और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस नींबू की बागवानी पर हम एक श्रृंखला लिखने जा रहे हैं। उस श्रृंखला में एक वीडियो होगा और उसको हम जो भाई अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आता तो उस पर लेख भी लिखेंगे और उस लेख को हम अपनी वेबसाइट www.amazingkisan.com पर प्रकाशित करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत से करते हैं और लगभग 10-15 साल तक जब आपके पेड़ नहीं होंगे जब तक हम करीब इसकी 10-12 वीडियो बनाएंगे। तो प्रस्तुत है आज का ये पहला भाग कि नींबू की पौध लगाते समय आपको क्या सावधानियां करनी है। नींबू की बागवानी भाग एक, नींबू की पौध लगाते समय आपको क्या सावधानियां करनी है। किसान भाइयों, मैं ये नहीं बताऊंगा खेत किस प्रकार तैयार करेंगे, कितना बड़ा गड्ढा होगा, कितना क्या चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, सबको पता है। लेकिन जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान रखिए और अगर आप इस प्रकार करें तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पौधे भी स्वस्थ होंगे और आप भी खुश रहेंगे। इसमें हमारा एक सुझाव है कि जो भाई नींबू की बागवानी करना चाहते हैं वो पहले ड्रिप का इंतजाम करें। अगर आप ड्रिप का इंतजाम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ड्रिप से पानी पौधे के आसपास और सही तरीके से पानी कम लगता है, पौधे को अच्छी तरह पानी मिलता है, ये सबसे बड़ा फायदा है ड्रिप का। और अगर आपके पास ड्रिप नहीं है या कुछ टाइम लग रहा है ड्रिप लगाने में तो तब तक उसके आसपास आप नाली बनाइए एक और उसमें पौधे लगाइए। अब क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या काम करने हैं, ये मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जब आप नींबू की पौध लगा रहे हैं तो आपको क्या चीजों की आवश्यकता होगी, मुख्यतः ये आपको चार चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, 10 किलो प्रति गड्ढे के लिए, एक पौधे की मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक पौधे के लिए 10 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद। खाद कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए और यदि 6 महीने या पुराना है तो आपका वह वेस्ट डिकम्पोजर से अच्छी तरह डिकम्पोज किया होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी खाद कच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई घास फूस या इस तरह की चीज़ नहीं होती है, सब चीज़ें सड़ गल चुकी होनी चाहिए। राजस्थान में मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग बकरी की मिंगन को यूज करते हैं, जो बकरी की मिंगन होती है उनको प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए ये बहुत गर्म होती है इसलिए इस पर कम से कम एक बरसात उतरनी आवश्यक है। यानी जब आप इसे इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करके छोड़ दीजिए और एक साल के बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 किलो गोबर की खाद या 10 किलो बकरी की मिंगन, दोनों में से एक कोई भी आप ले लें।
अगर मिंगन में थोड़े आपके मोटे थोड़े गोल गोल जो होते हैं ये हो तो उसको बारीक कूट लीजिए, उसको बारीक अवश्य करना है। आपको मिंगन ऐसे ही नहीं छोड़नी है जो सूखी रह गई, उसको बहुत बारीक करना है। उसके अलावा प्रति पौधा आपको चाहिएगा 100 ग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है जो पौधों के तनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, 11% सल्फर होती है इसमें जिससे जड़ों के विकास में ये बहुत सहायक होता है, और 14% इसमें कैल्शियम होता है। लगभग इतनी मात्रा आपके सिंगल सुपर फास्फेट में होती है और ये दानेदार है, बाजार में मिलता है, ये एक रासायनिक उर्वरक है। प्रति पौधा 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। उसके बाद आपको चाहिए दो चीज़ें, 10 ग्राम कोई भी फफूंदी नाशक यानी फंगीसाइड। किसान भाइयों, फंगीसाइड कई तरह के आते हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो में रासायनिक की बात कर रहा हूँ। आप एक बहुत ही प्रचलित फंगीसाइड है वेवेस्टीन, जिसमें 50% कार्बनडेज्म होती है, कम से कम 50% कार्बनडेज्म होती है। कार्बनडेज्म और मैनकोजिब, ये दो फंगीसाइड इसमें फार्मूले होते हैं, लेकिन इसमें कार्बनडेज्म होती है। तो 10 ग्राम आप वेवेस्टीन ले लें, या एक और आती है साफ, SAAF साफ। साफ में कार्बनडिज और मैनकोजिब दोनों चीज़ें होती हैं, कार्बनडिज कम होती है, मैनकोजिब ज़्यादा होती है। या आप अगर ये दोनों भी नहीं मिलते तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाज़ार में ब्लू कॉपर के नाम से मिलता है, या 10 ग्राम वो ले लें। तो तीनों में से कोई भी एक फंगीसाइड। किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत अच्छा फफूंदी नाशक है जो कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, और जब ये तीनों लेंगे आपकी जड़ों में दीमक, वाइट ग्रब वगैरह, माइट्स कोई भी चीज़ नहीं होगी, ये जड़ों की उनसे सुरक्षा करेगा। तो प्रत्येक गड्ढे में आपको 10 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम SSP, 10 ग्राम कोई भी फफूंदी नाशक वेवेस्टीन या COC या साफ ले, और 5 ग्राम ले क्लोरोपाइरीफास या थाइमेट। क्लोरोपाइरीफास ज़्यादातर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, लेकिन आपको पाउडर लेना है इसका, तो केवल 5 ग्राम मिलाइए, या तो क्लोरोपाइरीफास लीजिए या आप थाइमेट। दोनों में से कोई भी हो, ये आपकी जड़ों के आसपास जो है ना दीमक, वाइट ग्रब, इन सब का रोकथाम करेगा। फफूंदी की रोकथाम फफूंदी नाशक करेगा, जो दीमक और ये वाइट ग्रब वगैरह होते हैं ये उनकी रोकथाम करेगा, और खाद हमने ऊपर बता दिया। ये चारों चीज़ें मिट्टी में अच्छी तरह मिला लीजिए और गड्ढे को भर दीजिए। जब आपका गड्ढा भर गया तो उस गड्ढे में आपके पास जो पौधा है वो एक थैली में होता है, तो जितनी गहरी जितनी बड़ी थैली है उतना गड्ढा बनाइए, उसमें उतनी मिट्टी बाहर निकालिए, थैली की पन्नी हटाइए और उसमें उसको रोपण कर दीजिए। ये ध्यान रहे कि उसे उतना ही नीचे ले जाना है जितना थैली है। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो अगर यहाँ तक इसकी थैली है तो ये आपको बस यहीं तक रखना है और बाकी को छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके चारों ओर कम से कम 1 से 1.5 फीट ऐसे थाला बनाइए, थोड़ी मिट्टी हटाकर थाला बनाइए, और उसमें बहुत अच्छी तरह पानी दे दीजिए। जब आप उसमें अच्छी तरह पानी दे, पानी इतना दीजिए कि बुलबुले निकलने बंद हो जाएं। पानी देने का यही मकसद होता है कि अंदर कोई भी हवा न रहे और प्रचुर मात्रा में जड़ों को फैलने के लिए नमी मिले, क्योंकि खाद की गर्मी है ये सब को समाप्त करेगा, और आपको इतना पानी देना है कि जो थाले की मिट्टी, जो ज़मीन है और जो हमने थैली की मिट्टी है यानी पौधे की मिट्टी है जो थैली वाली, वो दोनों एक हो जाए, ये ध्यान रखें। उसे करने के बाद आप छोड़ दें। अब आपको पानी का ध्यान रखना। पानी का ध्यान कैसे रखेंगे? अगर गर्मियों के दिन है, जो भाई फरवरी में लगा रहे हैं तो मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ती है, तो ये ध्यान रखें कि दूसरे तीसरे दिन उसमें ड्रिप अवश्य चलाएं। इतनी ड्रिप चलाएं कि उसके आसपास हमेशा नमी बनी रहे।
किसान भाइयों, पहले दो माह आपके पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। न सूखा होना चाहिए, न नमी होनी चाहिए। अब आपने उनमें पानी दे दिया, अब एक हफ्ते बाद अपने पौधे के पास आइए और आइए मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ। अब एक हफ्ते बाद इस पौधे पर यहाँ तक थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाइए इस तरह से, और ये मिट्टी कम से कम पौधे के तने के चारों ओर 4 से 6 इंच दूर तक होनी चाहिए। ये ऐसा है, ये होनी चाहिए, इतनी दूर तक मिट्टी होनी चाहिए। इतनी ऊंची कर दीजिए, लगभग 2 उंगल जितनी मिट्टी कर दीजिए आप जो है ना इसमें। इसके क्या फायदे होंगे? इसके ये फायदे होंगे कि जब आप पानी देंगे तो पानी तने को नहीं छुएगा। किसान भाइयों, बहुत से रोग यहाँ जड़ से शुरू होते हैं अगर उनमें ज़्यादा पानी रुकेगा। आप इसका एक प्रयोग कर सकते हैं, उसके आसपास खूब पानी छोड़िए, पानी रहने दीजिए, आपका पौधा मरने के कगार पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कम 1 फीट इतना चौड़ा, इतना थाला बनाइए। ये जो ये मिट्टी है, ये इससे कम से कम 3 अंगल नीचे होनी चाहिए, और पानी इसमें दीजिए। जब आप ड्रिप चलाएंगे तो चारों तरफ पानी आएगा, और पानी जो है ना यहाँ तक आएगा, तने तक नहीं आएगा, और धीरे धीरे वो नमी आपके तने तक पहुँचेगी और आपका पौधा कई बीमारियों से बचा रहेगा। ये है पानी देने का तरीका। इस प्रकार आपके लगभग 2 माह बीत जाएंगे। अब 2 महीने बाद आपको क्या काम करना है? ठीक 2 महीने बाद आप देखेंगे कि पौधे में पत्तियां निकलनी शुरू हो गई, जड़ पकड़ ली है और वो चल रही है। नीचे की जो डंडियां होंगी, जैसे ये मैंने काटी हुई हैं, कुछ काट दीजिए फालतू वाली, ये इस तरह से, और काटने के बाद उन पर थोड़ा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या तो पेस्ट लगा दें, या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर दें, या COC का एक छिड़काव कर दें। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर दें। ये किसी भी जो कट पे कोई फंगस वगैरह होगी वो नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ये किसी कारण से ये टूट गया था और ये अब सूख गया। इस तरह की डंडी हमें हटाते रहना चाहिए। अब ये जो मैंने जगह बताई थी, जो ऊंची मिट्टी है, इसके बाद 1 फीट तक ये जो जगह है, इसको थोड़ी खोद लीजिए खुरपे से, चारों ओर आपको चारों ओर खोदनी है। इसको खोद कर आपको 2 खाद का इंतजाम करना है। प्रति पौधा पोटास 20 ग्राम, जिसे हम मुर्रा और पोटास भी बोलते हैं। 20 ग्राम पोटास लीजिए और 20 ग्राम यूरिया, इन दोनों को मिलाकर चारों ओर डाल दीजिए। जब इनको चारों ओर डाल देंगे, उसे खुरपे से नुलाई कर दीजिए और पानी दे दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका पौधा बड़ी तेजी से बढ़ता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा उनकी देख रेख करनी है। जो नीचे है, कोशिश करिए कि जमीन के पास में कोई शाखा जमीन न छू रही है, जो छू रही है उसको काट दीजिए या उसको हटा दीजिए। इस तरह से रखिए, आपका पौधे बहुत अच्छे चलेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी और ये स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, नींबू की बागवानी की श्रृंखला में आज था ये हमारा पहला भाग। दूसरे भाग में हम ये बताएंगे कि जब 2 महीने के पौधे होते हैं से 3, 4, 6 महीने तक, उनमें क्या बीमारियां देखी गई हैं, क्या क्या बीमारियां आती हैं। कभी कुछ भाइयों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कुछ के पत्ते मुड़ जाते हैं, कुछ के पत्तों में लीफ माइनर हो जाती है। हम उस पर चर्चा करेंगे और उसको भी एक वीडियो और लेख के माध्यम से करेंगे। इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।